हेलो एवरीवन, दिस इज अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। इसमें हमें कहा है एक सर्किट दिया हुआ है और कहा है वेरीफाई करना है हमें सब्स्टिट्यूशन थ्योरम को और रिप्लेस करना है ये 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसको। पहले हमको वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करना है, फिर हमें करंट सोर्स से रिप्लेस करके दिखाना है। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि नेटवर्क का ओवरऑल करंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ओवरऑल वोल्टेज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, प्लस उस पर्टिकुलर ब्रांच का वोल्टेज और करंट प्रीवियस केस में जो था वही होना चाहिए। जैसे अगर हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया यहाँ पर तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वही होगा जो 6 ओम के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा था। इससे जो फ्लो हो रहा करंट वो I2 के बराबर ही होगा, जो कि बाद में वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया उसके बाद में भी I2 करंट ही फ्लो होगा सेम मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम I1 I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ मैश लगाते हैं हम, या KVL हम बोलेंगे, यहाँ लगाएंगे इस लूप में। वोल्टेज राइज को हम लेते हैं पॉजिटिव 100 माइनस फर्स्ट लूप 2I1 माइनस 8I1 माइनस I2। क्यों I1 माइनस I2? क्योंकि I1 का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, I2 का डायरेक्शन अपवर्ड्स है, और हम फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं इसलिए हम I1 को पॉजिटिव I2 को नेगेटिव बोल रहे हैं। इज इक्वल टू 0 माइनस 10 I1 प्लस 8 I2 इज इक्वल टू माइनस 100, और इट इज इक्वल टू 10 I1 प्लस 8 I2 सॉरी माइनस 8 I2 इज इक्वल टू 100। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। सेकेंड लूप के लिए लगाते हैं हम KVL। लूप इक्वेशन लिखेंगे, प्लस से गए माइनस, माइनस 8 I2 माइनस I1। क्यों I2 माइनस I1 है? क्योंकि हम सेकेंड लूप के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। माइनस 4 I2 माइनस 6 I2 इज इक्वल टू 0, और इट इज इक्वल टू 8 I1 माइनस 8 I2 माइनस 4 I2 माइनस 6 I2 इज इक्वल टू 0, और इट इज इक्वल टू 8 I1 माइनस 18 I2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो I1 का वैल्यू हमारा निकल के आता है I1 इज इक्वल टू 15.51 एम्पियर्स, I2 इज इक्वल टू 6.89 एम्पियर्स। अब हम आते हैं पार्ट 1 की तरफ, जिसमें हमें क्या कहा है वो 6 ओम के रेजिस्टेंस को हमको वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करना है। तो हमारा नया सर्किट क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन थ्योरम? जब हम वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे तो हमें प्रीवियस केस में क्या निकाला था, करंट का डायरेक्शन ऐसा था और यहाँ रेजिस्टेंस था 6 ओम का। इसका मतलब जब भी रेजिस्टेंस होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हम कंसीडर करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप लेते हैं, तो इसलिए हमने वोल्टेज सोर्स का डायरेक्शन ये बनाया है। इसका वैल्यू था 100 वोल्ट। ये है 2 ओम, 8 ओम, 4 ओम, और यहाँ वैल्यू होगा क्या हमें वो फाइंड आउट करना है। पहले यहाँ वैल्यू होगा, यहाँ रेजिस्टेंस क्या था 6 ओम्स, हमने वैल्यूज निकाल ली थी I1 I2 की प्रीवियस केस में, तो यहाँ ड्रॉप कितना होगा 6 ओम्स के अक्रॉस जो हमारा प्रीवियस सर्किट था उसमें, तो V अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय हमने प्रीवियसली जो I2 निकाला था वो, दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 6.89 विच इज इक्वल टू 41.38 वोल्ट्स। ये हमारा निकल के आया था वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। अब हमें फर्स्ट पार्ट पे गए, हमने वोल्टेज सोर्सेस को रिप्लेस किया, तो इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना वैल्यू का ये वोल्टेज सोर्स होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 41.38 वोल्ट्स। ठीक है, अब हम जब ये वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं तो ये करंट्स जो हमारे I1 एंड I2 आते हैं वो सेम आने चाहिए जैसा कि
प्रीवियस केस में आ रहे थे तभी हम बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन थ्योरम हमारा वेरीफाई होता है. तो यहाँ के लिए भी हम इक्वेशन लिख लेंगे जैसे हमने पहले लिखी थी, 100 माइनस फर्स्ट लूप के लिए लिखेंगे इक्वेशन 100 माइनस 2i1 माइनस 8 i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 0, 100 माइनस 10i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 0. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन में अब हमने क्या किया है, वोल्टेज सोर्स लिया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, माइनस 8 i2 माइनस i1 माइनस 4i2 माइनस 41.38 शुड इक्वल टू 0. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में i1 i2 का वैल्यू जो आएगा वो प्रीवियस केस में जो आया था उसके बराबर ही आएगा. आप कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनको. तो इस प्रकार से जब यदि हम किसी रेजिस्टेंस को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं और सर्किट की करंट्स को और वोल्टेजेस को चेंज नहीं होने देते हैं तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाता है और i1 i2 का वैल्यू जो रहता है न्यू केस में वो प्रीवियस केस के बराबर आता है. अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, जिसमें कि हमने 6 ओम रेजिस्टर को रिप्लेस किया है करंट सोर्स से. करंट सोर्स से रिप्लेस करना है तो आप करंट सोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन वही होगा जो प्रीवियस केस में था. फर्स्ट टाइम जब हमने डायरेक्टली निकाला था तब करंट्स i1 i2 हमने फाइंड आउट किए थे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, i2 के बराबर होगा. मतलब जो करंट 6 ओम से फ्लो हो रहा था उसी की वैल्यू के बराबर यहाँ का करंट सोर्स का वैल्यू होगा. वो क्या होगा, 6.89 एम्पीयर्स का यहाँ पे करंट सोर्स होगा. यहाँ से फ्लो होने वाला करंट है i1, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट है 6.89 एम्पीयर्स. तो सिंपली हमें जो i1 का वैल्यू निकलना चाहिए वो प्रीवियस केस के बराबर निकलना चाहिए, तभी ये सब्स्टिट्यूशन थ्योरम जो रहेगा वो वेरीफाई होगा. तो इसके लिए हम सिंपल एक ही लूप के लिए हमें इक्वेशन लिखनी होगी. क्यों, क्योंकि हमें i2 तो पता है. तो इसी लूप के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं 100 माइनस 2 इंटू i1 माइनस 8 i1 माइनस 6.89 will equal to 0. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा i1 is equal to 15.51 amperes, जो कि आपका फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में निकल के आया था. मतलब कि जब आपने रेजिस्टेंस कंसीडर किया था तब i1 का वैल्यू जो था वही आएगा, साथ में जब आपने वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया यहाँ पर इस ब्रांच में तब भी आपका i1 का वैल्यू यही आया, और जब आपने करंट सोर्स को कंसीडर किया तब भी आपका i1 का वैल्यू यही आया. इससे हमारा सब्स्टिट्यूशन थ्योरम वेरीफाई होता है.